केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे वे लोग रहने के लिए अपना घर बना सके। लेकिन यूपी के महाराजगंज जिले से लोगों के घर तो नहीं बने, उल्टा उनके घर ही टूट गए। आप इससे पहले दिमाग लगाएं, हम आपको बता दें कि उनकी गृहस्थी ही उजड़ गई। यूपी के जिले महाराजगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना की मिलने वाली पहली किस्त को पाते ही 11 महिलाएं अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग फुर हो गई हैं। इन महिलाओं को 40,000 की पहली किस्त मिली थी, जिसके बाद पीड़ित पति और परिवार वालों ने विभाग के जिम्मेदारों से शिकायत कर दूसरी किस्त ना भेजने की गुहार लगाई है। विभाग ने दिए गए सरकारी पैसों को वसूलने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गांव और शहरी क्षेत्र में रहने वाले जिन लोगों के पास घर नहीं होता, उन्हें सरकार रहने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसा देती है। इस योजना में महिलाएं भी लाभार्थी होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के कुल 108 गांवों में साल 2023 से 2024 में 2,350 लाभार्थियों का चयन हुआ था। इसमें से लगभग 2,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास पूरा भी हो चुका है। इसी के तहत 11 महिलाएं लाभार्थियों के खाते में भी आवास की पहली किस्त भेजी गई थी। किस्त मिलते महिलाओं अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई हैं। वहीं इन महिलाओं के पति अब तनाव में हैं। किस्त लेकर भागी महिलाओं के पति ने अधिकारियों से पत्नी के खाते में दूसरी किस्त ना भेजने की गुहार लगाई है। पति को इस बात का डर सता रहा है कि किस्त की रकम वसूलने का नोटिस कहीं उनके नाम ना जारी हो जाए। उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी मदद से घर बन जाएगा, लेकिन घर बनने से पहले ही उनकी गृहस्थी ही उजड़ गई। हालांकि जांच के बाद मामले में उजागर होने पर कुछ लाभार्थियों का रकम रोक दिया गया है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में करीब 2,350 लोग के पीएम आवास योजना का पैसा मिला। लाभार्थियों में अधिकतर महाराजगंज के लोग, इनमें से कई लोगों के घर पहले ही बन चुके हैं, जबकि कई लोगों को अपना पक्का मकान बनाना था। इस योजना के तहत पहली किस्त 40,000 रुपए लाभार्थी के खाते में भेजे गए थे। जानकारी मिली है कि इनमें से 11 महिलाएं पैसे मिलते ही अपने पति को छोड़ अपने बॉयफ्रेंड संग यानी कि प्रेमी संग फरार हो गई हैं। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।